और निरंतर ये डांस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीताराम सीताराम का चल रहा है, उत्साहित हैं श्री हनुमान जी और सीताराम नाम जाप। जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस नेपाली बाबा की वीडियो ऑलरेडी जो तैयारियां चल रही थी, मैंने ऑलरेडी चैनल पर पहले जो तैयारियों का वीडियो मैंने अपलोड किया था, लेकिन वो तैयारियां पूर्ण होकर और कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है नेपाली बाबा का 1008 शिवलिंग की स्थापना करके, और उसके बाद कार्यक्रम को यानी कि सुचारू रूप से ये यानी 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चल रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से यानी कि मैं आपको यही दिखाऊँगा नेपाली बाबा का किस तरह से 1008 शिवलिंगों की स्थापना की गई है, किस तरह का यानी कि अब यानी कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह का यानी कि वीडियो यानी कि सभी राम भक्त चैनल पर बने रहना। जो राम भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि अयोध्या धाम से रिलेटेड तमाम ऐसी धार्मिक वीडियो आपको मिले। स्टार्ट करने से लोकेशन की बात कर लेता हूँ, आप जैसे ही आएंगे तो इस तरह से आपको ये बाईपास की तरफ से ये आया था। दोस्तों ऑलरेडी मैंने ये तैयारियों का वीडियो पहले डाला था, तो किस तरह ये ओवरब्रिज को सजाया गया है दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है दोस्तों। और भी लोकेशन की बात कर रहा हूँ, ये बालूघाट तिराहा के पास है कार्यक्रम चल रहा है नेपाली बाबा का। दोस्तों मेरा ये प्रयास रहता है अयोध्या धाम से रिलेटिव तमाम ऐसी धार्मिक वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों मैं ये वीडियो यानी कि हो सकता है ये 22 जनवरी के बाद ही आप को ये वीडियो देखने को मिले, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरह से सभी राम भक्त उत्साहित है, किस तरह से तमाम ऐसे साधु संत द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा है दोस्तों। तो हम चलो इस तरह से चलो अंदर गेट के अंदर आपको लेकर चलते हैं, किस तरह से गेट को सजाया गया है और क्या क्या कार्यक्रम लगेगा, क्या क्या कार्यक्रम क्या क्या कब से चला था ये कार्यक्रम, ये देख सकते हैं आप। ये पूरा ये श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के सुराम सीताराम नाम जाप महायज्ञ। और दोस्तों मैं यानी कि ये नेपाली बाबा का कार्यक्रम है तत्वधान में, और उसके बाद दोस्तों ये 1008 शिवलिंग की स्थापना कर सीताराम जाप और 1100 जोड़े दंपति और 100 कुंडों का 9 दिवसीय राम मंत्र किया गया। उसके बाद दोस्तों हवन करके प्रतिदिन यानी कि 10,000 श्रद्धालुओं को भोजन सुबह 11 बजे से रात्रि 11 बजे से चलता है। चलो हम और आगे लेकर चलता हूँ, जैसे ही आप आएंगे इस कार्यक्रम स्थल पर तैसे कुछ इस तरह तैयारी आपको दिखाई देगी। तो जैसे ही मैं बालूघाट पे आया है तो मैं देख रहा हूँ तमाम ऐसे भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरह यानी कि भक्तों का तांता लगा, दुकानें यहाँ पर भी लगाई गई हैं और इस तरह से काफ़ी भव्य और विशाल भीड़ आपको देखने को मिल रही है। वो सामने ही आपको जहाँ पर शिव 1008 शिवलिंग की स्थापना की गई सामने ही आपको दिखाई देगा। ये तमाम ऐसे जो भक्तगण तमाम ऐसी महिलाएँ आए हैं जो पीले वस्त्र धारण करके दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह यानी कि मैं ऊपर का व्यू मैं दिखा रहा हूँ, किस तरह यानी कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और उसकी इस साइड 1008 हवन 1008 शिवलिंग की स्थापना की गई है। और किस तरह ये तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं तो यहाँ पर यानी कि बालूघाट पे आए हुए हैं और यहाँ पर यानी कि भंडारा भी चल रहा है और प्रतिदिन यानी कि क्षमता है 10,000 राम भक्त भोजन कर रहे हैं इस नेपाली बाबा के कार्यक्रम ही भव्य और विशाल कार्यक्रम में। किस तरह जैसे ही मैंने यानी कि गेट से स्टार्ट किया था वीडियो, अब ये आपको सामने किस तरह से श्री भगवानमय हुआ है अयोध्या धाम की नगरी। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आए हैं? हम लोग नेपाल से आए हैं सप्तरी राजविराज से। कितने दिन तक रहेंगे आप? हम लोग जो 25 तारीख तक रहेंगे। आप लोग इनके साथ हैं, आए हैं? हाँ 25 तारीख तक रहेंगे। नहीं, उसके साथ नहीं आया है। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ? नेपाल से आया था, सप्तरी जिला से। श्री राम के लिए अगर कोई भजन हो तो थोड़ा 2 मिनट का सुना दीजिए, कोई भजन रखना चाहते हैं, कोई भजन गाना चाहते हैं? एक भजन चाहते हैं सुना दिए 2 मिनट के बाद। हम लोग भगवान श्री राम का जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तैसे ही यहाँ पर एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया, किस तरह ये आपको दिखाई देगा। ये चेकिंग पॉइंट से आपको एंट्री करना पड़ेगा आगे। चलो मैं आपको लेकर तक चलता हूँ। ये सामने दिखाई दे रहा है चेकिंग पॉइंट, यहीं से आपको एंट्री करनी है। जैसे ही आप इस लोकेशन पे आएंगे तो ये काफ़ी जो है यानी कि 1008 शिवलिंगों की स्थापना हुई है, ये काफ़ी ऊपरी है और ये मैं यानी कि मैंने शुरुआती वीडियो मैंने डाला था ऑलरेडी, ये जेसीबी लगी थी रास्ते को बनाने के लिए। और दोस्तों
चलो मैं आपको वही उस लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूं जहां पर 1008 शिवलिंग रखी गई है दोस्तों। चलो अब वो क्षण आ गया है, वो पल आ गया है, मैं आपको दिखाता हूं। तो इस लोकेशन पे है आपको 1008 मंडलीय सीताराम नाम जाप, और किस तरह से राम भक्त लगे हुए हैं कर रहे हैं जो इस शिवलिंग की स्थापना हुई है, इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। ये तो मैं यहाँ से अंदर प्रवेश करता हूँ, किस तरह से ये तो आप देख सकते हैं, इस तरह से 1008 जो शिवलिंग की स्थापना हुई थी, तमाम ऐसे महिलाएं निरंतर जप कर रही हैं, प्रभु श्री राम जी का, भोले शंकर का निरंतर इस तरह से जप कर रही हैं। आप ये देख सकते हैं, यानी कि हजारों लाखों में श्रद्धालु यहां पर निरंतर आ रहे हैं, किस तरह ये जप किया जा रहा है आप ये देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से धूप बत्ती अगरबत्ती और शिवलिंग की स्थापना की गई है। आप ये देख सकते हैं निरंतर, यानी कि जाप चल रहा है, निरंतर सभी श्रद्धालु जाप कर रहे हैं। इस तरह से तमाम ऐसे भक्त लोग मर जाते हैं, सीताराम का जाप निरंतर करके राम भक्त आनंदित हैं। श्री हनुमान जी भी डांस कर रहे हैं, किस तरह से श्री हनुमान जी आप देख सकते हैं सीताराम के नाम पर निरंतर ये डांस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीताराम का चल रहा है, उत्साहित हैं श्री हनुमान जी और सीताराम नाम जाप का डांस हो रहा है, किस तरह सीताराम जाप हो रहा है निरंतर। आप देख सकते किस तरह शिवलिंग के सामने तमाम ऐसे बदल वो श्री जामंत जी हैं, हनुमान जी हैं, किस तरह डांस कर रहे हैं सभी राम भक्त, नृत्य कर रहे हैं निरंतर। आप देख सकते हैं ये वीडियो दोस्तों, किस तरह सीताराम का जाप हो रहा है प्रभु श्री राम जी के आगमन की तैयारियों को लेकर, किस तरह ये आप देख सकते हैं जामंत जी नृत्य कर रहे हैं, हनुमान जी डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं भव्य रूप से हनुमान जी नृत्य कर रहे हैं, किस तरह राम सीताराम का जाप कर रहे हैं हनुमान जी निरंतर, की नोटों की माला पहने हुए हैं श्री हनुमान जी। आप देख सकते हैं किस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं सभी राम भक्त को, ये देख सकते हैं आप, ये देखो खड़े हुए हैं पूरे हनुमान। मैंने वहां से जो 1008 शिवलिंग का अपने अंतर राम भक्त जाप कर रहे हैं उसका वीडियो दिखाया, और इस साइड आप देख सकते हैं भव्य यहां पर होम किया जा रहा है, सभी राम भक्त उत्साहित हैं, किस भव्य रूप ये पंडाल बनाया गया है रामनगर शाला जिसके नाम से जाना जाता है, इस तरह से ये विशाल ये रखा गया। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये यानी कि सीताराम लिखा गया है, आप देख सकते हैं, और इस तरह से नेपाली बाबा का भव्य और विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं सीताराम जाप का निरंतर कर रहे हैं, और होम यज्ञ निरंतर कर रहे हैं, देख सकते हैं आप ये सभी राम भक्त की निरंतर जुड़े हुए हैं, ये होम यज्ञ करवा रहे हैं। ये क्या हो रहा है गुरु जी के, ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये होम हो रहा है, परिक्रमा कर रहे हैं तभी राम भक्त एक यहाँ पर भी भव्य और 1008 हवन कुंड बनाए गए हैं, ये तो निरंतर हवन कर रहे हैं। उधर मैंने ऑलरेडी पहले मैंने दिखाई थी शिवलिंग की स्थापना की गई है दोस्तों। तो अयोध्या धाम से रिलेटिव वीडियो का अपडेट आपको कैसा लगा जो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने से कर दें ताकि अयोध्या धाम से रिलेटेड तमाम ऐसी धार्मिक वीडियो आपको मिलती रहे।